बुधवार को ठाकुर धीरेन्द्र सिंह धनकौर की द्रोण गौशाला में पहुंचे। इस मौके पर द्रोण गौशाला समिति ने गौशाला से जुड़ी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। उन्हें बताया कि 150 बीघा जमीन का इस मामले में विवाद। मैं रजनीकांत अग्रवाल, प्रबंधक श्री द्रोण गौशाला समिति धनकौर। हमारे यहाँ लगभग 850 गौवंश है, जिसका लालन पालन क्षेत्रीय जनता के सहयोग से किया जाता है। इसी के सिलसिले में हमारे पास एक 150 बीघा जमीन जो गौचर के काम आती है, सरकार द्वारा जबरन अधिग्रहित करके 2009 में प्राइवेट बिल्डर जेपी को दे दी गई, जिसका आज दिन तक ना कोई मुआवजा ना कोई फसलाना हमारी गौशाला को नहीं दिया गया है, जिसके कारण गौशाला में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जिले में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला, जिसमें मेरे क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने मुझे उनसे मुलाकात कराई। मैंने अपना एक ज्ञापन गौशाला के संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय विधायक जी ने मेरे इस ज्ञापन के ऊपर संज्ञान लेते हुए मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि निश्चित ही जल्दी ही आपको मुआवजा और उसका फसलाना दिलाया जाए। ये है धनकौर की गौशाला, जिसकी मांग की गई है कि गौशाला की जमीन जेपी ने कब्जा रखी है। इसी सिलसिले में लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। मैं मछवाई जी के साथ